नमस्कार, माई सेल्फ ब्रजेश कुमार, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा कमाल का, बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप अपने इंस्टा प्रोफाइल को वेरीफाइड कैसे कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपका इंस्टा प्रोफाइल है ना, उस पर आप ब्लू टिक कैसे ला सकते हैं, और इसमें कोई भी बाउंडेशन, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये चाहिए चाहिए। आपके पास कोई भी इंस्टा अकाउंट हो, आप उसकी प्रोफाइल को फ्यू मिनट के अंदर काफ़ी आसान तरीके से ब्लू टिक के साथ में उसको वेरीफाइड कर सकते हैं। तो कैसे होगा, क्या होगा, उसकी जो पूरी जानकारी है ना, मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो आपसे बस इतने रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर से पूरा देख लेना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए अंदर की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को वेरीफाई कर पाते हैं विथ ब्लू टिक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करके वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है वेब इंस्पेक्टर। ठीक है, आप इतना लिख के अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जैसे आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद वहाँ पे ये जो हमारा एप्लीकेशन है ना, एक ब्राउजर की तरह है, जैसे हम लोग क्रोम, मोजिला, जो भी ब्राउजर है इसको हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी एक ब्राउजर है। तो वहाँ पे आपको सर्च बार दिखाई देगा, आपको वहाँ पे जाना है, सर्च करना है इंस्टाग्राम लॉगिन, देन आपको इतना लिख के सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे, तो वहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन लिख के आएगा इंस्टाग्राम लॉगिन, आपको उस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ पे ना, जिस भी आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को वेरीफाइड करना चाहते हो, ब्लू टिक लगाना चाहते हो, उस अकाउंट का जो आईडी पासवर्ड है आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे आप इंटर करेंगे, उसको आप प्यार से लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा, आपके सामने इंटरफेस, आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है ना, देखने के लिए मिल जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, आप देखेंगे वहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन आएगा इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन, मतलब कि जहाँ पे आप अपने इंस्टा को लॉगिन किए हैं, वहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन आएगा सर्च का। वहाँ से आप किसी भी सेलिब्रिटी का जिसके अकाउंट में ब्लू टिक ऑलरेडी हो, जिसका अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड हो, आप उसको वहाँ से सर्च कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ विराट कोहली का, जिसे मैं सर्च करूँगा उसका जो प्रोफाइल है यहाँ पे इस प्रकार से देखने के लिए हमें मिल जाता है। तो हमें ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा हैंड रेस का, वहाँ पे एक फिंगर का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो उसका ब्लू टिक है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे वहाँ पे कुछ कोड में लिखा हुआ होगा, तो आपको उन सारे कोड को वहाँ पे टेप करके रखना है, वहाँ पे आपको हल्का सा टच करके रखना है। उसके बाद सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके उसको पूरा कॉपी कर लेना है, जो भी वहाँ पे कोड दिया होगा। उसके बाद कॉपी करने के बाद बैक आने के बाद फिर आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे। आपको देखेंगे नीचे में आपके इधर से राइट साइड में एक बार आपका ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, जिसमें आपका डीपी दिख रहा होगा, आपको अपने प्रोफाइल में इंटर जाना है। उसके बाद अब देखेंगे ना, वहाँ पे फिर से एक वहाँ पे जो फिंगर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे एक हैंड रेस का बना होगा, आपको उस पर क्लिक करना है, और वो आपके अपने प्रोफाइल नेम पे बस एक बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे जो भी आपके प्रोफाइल का कोड वगैरह होगा ना, वहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको उसी कोड के नीचे में जो आपने कॉपी किया था विराट कोहली का प्रोफाइल का जो लिंक कॉपी किया था, आपको उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको प्यार से यहाँ से बैक आ जाना है, आपके जो प्रोफाइल है ना उस पर ब्लू टिक दिखाई देने लगेगा, मतलब जो प्रोफाइल है ना वेरीफाइड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए, मैं आपको भले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा मैंने आपको बताया घुमा फिरा के, लेकिन सिंपल सा समझो, सिंपल सा आपको ओपन करना अपने प्ले स्टोर को, वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वेब इंस्पेक्टर। उसके बाद जो ब्राउजर है वो डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन कर लेना है ब्राउजर में। उसके बाद जो भी आपका आईडी पासवर्ड है इंटर करके अपने आप प्रोफाइल में इंटर हो जाएंगे। उसके बाद आपको सर्च करना है किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड हो, जिसका जो प्रोफाइल ऑलरेडी मतलब कि ब्लू टिकट हो, है ना। उसको ओपन करने के बाद वहाँ पे एक हैंड का ऑप्शन आएगा, उस पर एक बार क्लिक करके उनका जो प्रोफाइल लिंक है उस पर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको बैक आ जाना है, फिर आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। आपको देखेंगे आपके राइट साइड में आपका प्रोफाइल दिखेगा, आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल में जा करके उसके लिंक को कॉपी कर देना है। उसके बाद आपको बस प्यार से बैक आ जाना है, समझ रहे हैं, बैक आ जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पर रिफ्रेश कर देना है, आपका जो प्रोफाइल है ऑलरेडी, आपका जो प्रोफाइल है ना वो वेरीफाइड हो जाएगा, ब्लू टिक के साथ में दिखने लगेगा। तो ये क्या ना कि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया ना, ये टेम्परेरी है। जैसे आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई देखो मेरे प्रोफाइल में भी ब्लू टिक आ रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करके वो अपने दोस्तों को दिखा करके थोड़ा सा एकदम आश्चर्यजनक कर सकते हो, थोड़ा सा उनको सरप्राइज कर सकते हो कि आखिर मेरी भी इंस्टा प्रोफाइल पे ब्लू टिक आ गया है
है ना। तो कहा कि ये जो है ना एकदम परमानेंट नहीं है, टेम्परेली है, इसको आप टेम्परेली लगा करके आपके आपके प्रोफाइल पे ब्लूटिक जो है दिखने लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। हमेशा के लिए आपको जो लीगल तरीका है आपको वही करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि आपको जो मेरी बातें हैं समझ आ गई होंगी, और आप भी इस प्रकार से अपने प्रोफाइल पे ब्लूटिक लगा करके किसी को भी दिखा सकते हो, किसी को सरप्राइज कर सकते हो, तो आप इसका इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मेरी जो वीडियो थी यहीं तक थी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, बाकी को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी बस वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।